हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष गुजर एक बार फिर से आप सभी का केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है अपने नीट आईआईटी जेई एडवांस और अभी बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टूडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अपन इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन है उनके काफ़ी वीडियो आ चुके हैं, उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्प करेंगे ये आने वाले एग्जामों में। तो स्टूडेंट आप मेरे साथ बने रहे, अभी अपन देखेंगे क्या होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का जो जनरल रिएक्शन है वो, उसके बाद देखेंगे अभी अपन उसका मैकेनिज्म भी साथ ही साथ में। तो स्टूडेंट देखो होगा क्या, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे एमाइड होता है, आपको एमाइड मिलेगा, एमाइड से आपको बनाना क्या है, एमीन बनाना है। तो स्टूडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब ये किस प्रोसेस से बनेगा, कैसे बनेगा वो अभी अपन देखेंगे जनरल रिएक्शन में, उसके बाद अपन बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। तो देखो स्टूडेंट होगा क्या, यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ ऐसा, ये आपका हो गया एमाइड, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट आपको यहाँ पे नाम से ही पता लग जाएगा कि होपमैन कोई साइंटिस्ट का नाम है, ब्रोमाइड मतलब आपको यहाँ पे क्या लेना होगा, ब्रोमीन लेना होगा, तो मैं यहाँ पे ये लेता हूँ Br2, ठीक है स्टूडेंट। और साथ में यहाँ पे इसकी प्रेजेंस रहेगी किसकी, बेस की। आप KOH ले सकते हो, आप NaOH ले सकते हो, जो आपका मन करे आप वो ले सकते हो, मैं यहाँ पे NaOH लेता हूँ। चलो ये आपका बेस हो गया NaOH, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है कि Br2 की आपको एक यूनिट ही लेनी है, वो आगे मैकेनिज्म में पता लग जाएगा कि क्यों ले रहे हैं। और जो NaOH है इसकी आपको स्टूडेंट लेनी है दो यूनिट, NaOH की दो यूनिट, Br2 की एक यूनिट। अब जो स्टूडेंट जो बनने वाले प्रोडक्ट होंगे वो देखो कुछ ऐसे होंगे, एक तो आपको मिलेगा ये जिसे आप एमीन बोलते हो, इसमें दो कार्बन थे, एक तो यहाँ वाला कार्बन और एक यहाँ वाला कार्बन, इसमें आपको एक कार्बन कम मिला है मतलब डिग्रेड हुआ है, ठीक है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे एक कार्बन कम वाली अपन को क्या प्राप्त हुई है, एमीन। तो यहाँ पे लिख देते हैं एमीन। और जो साथ में जो प्रोडक्ट अपन को मिलेंगे, अपना मेन प्रोडक्ट ये होगा, ये अपन को साथ में मिलेंगे, चलो उनको भी लिख लेते हैं। एक आपको मिलेगा कौन, Na2CO3, ठीक है, और एक मिलेगा NaBr, और साथ में आपका मिलेगा आपको जल। तो स्टूडेंट ये था इसका जो जलन रिएक्शन था वो, अभी अपन बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। तो स्टूडेंट एक बार फिर से देख लो, ये आपका एमाइड हो गया, इसमें दो कार्बन थे, एक तो ये वाला कार्बन यहाँ पे, ठीक है, कार्बोनिल समूह वाला, एक देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये आर है, इसको ये CH3 वगैरह C2H5 वगैरह या आपका एरियल समूह वगैरह भी तो हो सकते हैं, तो उनमें कार्बन तो होगा ना, तो वो कार्बन, दो कार्बन थे, ठीक है स्टूडेंट। अब अपना जो प्रोडक्ट अपन को प्राप्त हुआ है वहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है, वो इस एल्किल समूह वाला, वो ही कार्बन मिलेगा, मतलब एक कार्बन अपना कम मिला है मतलब डिग्रेड हुआ है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। स्टूडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हर बार लगभग पूछा ही जाता है अपने जो एग्ज़ाम होते हैं नीट वाले, IIT वाले, एम्स वाले, इन एग्ज़ामों में इसके बारे में स्टूडेंट काफ़ी बार प्रश्न बनते हैं, तो इनको आपको ध्यान से समझना होगा। फिर अपन अभी देखेंगे इसका जो मैकेनिज्म है वो, कि वाकई में कैसे हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो। तो स्टूडेंट आप लोगों ने जनरल रिएक्शन कॉपी कर लिया होगा, अब अपन बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तरफ ही होना चाहिए स्टूडेंट। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट आपको पता है सबसे पहले आपको कौन मिलेगा, एमाइड। तो ये देखो सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी, ये एमाइड NH2 लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, में ध्यान से देखना, मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ इसको,
ये एच और ये एच, एन एस टू ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये वाला आपको एमाइड हो गया। अब स्टूडेंट आपको देखो सिचुएशन में कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे आपको फिर सिचुएशन में मिलेगा क्या, एन ओ एच। कितनी यूनिट ली थी, दो यूनिट, दोनों यूनिट अपन काम में लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखो एन ओ एच का काम क्या होता है, अपन को यहाँ पे ओ एच माइनस देना, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो H है वो नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, तो ये एसिडिक नेचर का होता है स्टूडेंट, ये आसानी से बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये अपने कार्बन इस N को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो जो सिचुएशन निकल के आएगी वो कुछ ऐसी आएगी स्टूडेंट, कैसी देखो, आर सी ओ एन एच, ये नेगेटिव, एक एच बाहर निकल गया, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर गया। ठीक है स्टूडेंट, जो सिचुएशन निकल के आई वो आई अपने सामने ये। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था कि अपन को जो Br2 है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट लेनी है, वो अपन यहाँ पे काम में लेंगे। कैसे, देखो स्टूडेंट यहाँ पे अपन लिखते हैं Br और ये Br, इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे स्टूडेंट डाइपोल जनरेट हो जाएंगे, जिससे एक पे आएगा पॉजिटिव और एक पे आएगा नेगेटिव, आप दोनों में से किसी पे पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हो जो आपका मन आए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट होगा क्या, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है देने को, कैसे देखो यहाँ पे एच ने इसको डोनेट किए थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इसको डोनेट करेगा, ध्यान से समझना स्टूडेंट, और ये Br माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो जो सिचुएशन निकल के आएगी वो स्टूडेंट आएगी ये, कि ये Br नेगेटिव के रूप में बाहर निकल गया। ठीक है, और ये इसके साथ हो जाएगा ऐड, तो सिचुएशन जो आएगी वो ये आएगी, अब आर सी ओ एन साथ में एच है और ये है Br। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है आपको, आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एन ओ एच लेना है, ओ एच को अटैक करवाना है, ओ एच अटैक करेगा, जल बाहर निकल जाएगा, फिर आपको Br लेना है, Br2 लेना है, इसकी एक यूनिट होगी, एन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक Br बाहर निकल जाएगा। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान से समझना, कि जब आप एक एन ओ एच ले रहे थे, एक एच बाहर निकल रहा था, एक Br ऐड हो रहा था। ठीक है, इसीलिए अपन ने Br2 की कितनी यूनिट ली, एक, क्योंकि अपन को Br ऐड अब नहीं करवाना है, अब अपन को एक एच यहाँ से बाहर निकलवाना है, तो इसीलिए अपन ने एन ओ एच की दो यूनिट ली थी। अब देखो स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे एन ओ एच है वो अपन फिर से लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एन ओ एच का काम क्या होगा, ओ एच माइनस आयन देना। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या करेगा, ये इस एच को बाहर निकाल लेगा। ठीक है, और जो सिचुएशन निकल के आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, तो ये एच यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा अपने और बाहर निकल जाएगा। जो सिचुएशन आएगी वो ये आएगी, ये एन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब एन को इलेक्ट्रॉन एच दे गया, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आसान है, देखो सही तरीके से आप समझोगे, काफ़ी आसान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, लेकिन बस आपका काम है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना होता है मैकेनिज्म की तरफ, वो आप अच्छे से दीजिएगा। अब देखो स्टूडेंट क्या होगा, ये एन है जो वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डोनेट करेगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो स्टूडेंट देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, या इसने ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किए, तो दो तो ये हो गए, एक तीन दो पाँच, तो कार्बन तो पांच बॉन्ड बना ही नहीं सकता, चार बॉन्ड ही तो बना सकता है, वैलेंसी तो चार ही होती है ना। अब देखो स्टूडेंट क्या होगा, कि यहाँ से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, खींच भी सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो है ही, कार्बन से तो ज़्यादा है ही, तो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने खींच लिए। ठीक है, अब फिर से ये डोनेट करेगा यहीं पे, मतलब बेक बॉन्डिंग करेगा, खींचेगा फिर से देगा, और ये जो आपका एल्किल समूह है इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो एल्किल समूह जब बाहर निकल जाएगा तो जो सिचुएशन आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला है, तो इस पर जो चार्ज रहेगा वो नेगेटिव का रहेगा, है ना, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट जो सिचुएशन आएगी वो ये होगी, ये कार्बन रहा, ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन रहा, और साथ में आपका
ये यहाँ पे भी डबल बॉन्ड रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट हुए हैं, और साथ में रहा आपका ये NBR। और देखो स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे, अब देखो आप क्या होगा, साथ में आपको मिलेगा R नेगेटिव के रूप में। अब देखो स्टूडेंट जो सिचुएशन निकल के आई है वो आपके सामने ये आई है। अब क्या होगा स्टूडेंट कि जो Br वहाँ बाहर निकल गया, अब देखो क्या होगा स्टूडेंट कि ये जो R है अपन को बनाना क्या है, RnS2 बनाना है ना। अब देखो ये R जाएगा किसके पास, ये जाएगा इस नाइट्रोजन के पास। जब ये इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो देखो स्टूडेंट ये Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप है Br तो ये बाहर निकल गया, तो जो सिचुएशन निकल के आएगी स्टूडेंट वो कुछ ऐसी आएगी। अब देखो Br बाहर निकल गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है, और साथ में क्या है यहाँ पे है डबल बॉन्ड और N और R। अब देखो स्टूडेंट R और N अपन को प्राप्त हो गए हैं, अपन को दो H और चाहिए यहाँ पे। तो स्टूडेंट ध्यान से समझो, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन भी, इस कार्बन से तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही। अब देखो स्टूडेंट होने के कारण क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, अब इस पॉजिटिव को कम करने के लिए स्टूडेंट अपन यहाँ पे वाटर ले रहे हैं, वाटर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन को मिल गया था NaOH वाला, ये यहाँ पे अपन को वाटर मिला था क्योंकि H से OH जल बनाया था, H2O वहाँ पे भी बनाया था, तो वो वाटर अपन यहाँ पे स्टार्ट ले रहे हैं ना। तो देखो स्टूडेंट ये वाली सिचुएशन आएगी, ये वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के पास अपने लोन पे रहे। तो देखो स्टूडेंट ये ऑक्सीजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, होगा क्या ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा फिर, नेगेटिव का। तो देखो मैं अगली नेक्स्ट सिचुएशन ऐसे लिखता हूँ, हर एक स्टेप को मैं अलग अलग समझाऊंगा आपको। सिंगल बॉन्ड रहेगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ले लिए हैं, और NR नाइट्रोजन पे रहा नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएगी कुछ ऐसे। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से समझना कि ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बना रही है, ऑक्सीजन तीन बॉन्ड जब भी बनाए तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव का। ये पॉजिटिव चार्ज इस पर अच्छा नहीं रहता, तो स्टूडेंट क्या करेगा ये अपने इस एस से अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, खींच सकता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है आसानी से खींच लेगा, तो एच प्लस के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव है ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो सिचुएशन निकल के सामने आएगी वो कुछ ऐसी आएगी ये वाली। ठीक है, सी सिंगल बॉन्ड है, एन है साथ में, ठीक है, और ये एच आ गया, और ये आपका आ गया आर, और ये साथ में ऑक्सीजन, और ये रहा एच, ये वाली सिचुएशन निकल के सामने आई। अपन बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, साथ में आप ध्यान से समझना कि ये वाला कार्बन है, यहाँ से ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे जो CO2 अच्छा लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल सकता है, CO2 दो ऑक्सीजन है एक कार्बन है, मतलब CO2। अब देखो CO2 कब निकलेगा स्टूडेंट, कि जब H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन इससे करवा लेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये तो जाएगा किसके पास फिर, इसके पास, और ये CO2 निकलेगी बाहर। इसको एंट्रोपी भी सपोर्ट करती है CO2 को, तो ये आसानी से बाहर निकल सकती है, अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो स्टूडेंट जो सिचुएशन आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, RnS2 ये आपका हो गया एमीन। तो स्टूडेंट इस तरह बनता है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से एमीन, एक कार्बन अपन को कम प्राप्त हुआ है वो कुछ ऐसा बनेगा। तो आपको क्या करना, आपको वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लेना है स्टूडेंट। अच्छा आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखो स्टूडेंट होगा क्या कि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ, तो आपका भी काम बनता है मेरे को सपोर्ट करना, तो आप मेरे को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, और साथ ही साथ स्टूडेंट उन वीडियो को जो है उनको ज़रूर देखिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स सर्किल में स्टूडेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप भी अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।